कि बेस्ट कैब कौन सी रहेगी एंड कौन सी ऐसी कैब होती है जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीना प्रैक्टिसिंग पुणे महाराष्ट्र सिंस मोर देन 15 इयर्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दांतों के लिए बेस्ट क्राउन और बेस्ट कैप कौन सी रहेगी जो कि आपके दांत के लिए अच्छे सुटेबल होगा। एंड बहुत बार एक क्वेश्चन मुझे कमेंट में आता है, इवन क्लिनिक में भी आके पेशेंट पूछते हैं कि मैम आप बताइए कौन सी बेस्ट कैप है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाली हूँ कि आपके दांत के लिए बेस्ट कैप कौन सी रहेगी जो आपके लिए परफेक्ट फिट होगी, कौन कौन सी कंडीशंस में किस कैप का बेस्ट क्वालिटी रहता है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले तो जानते हैं कि डेंटल कैप और क्राउन लगाने की क्या जरूरत पड़ती है। मोस्टली जिसको कॉमन रीजन होता है कैप लगाने का वो होता है आफ्टर द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल कराने के बाद मोस्टली डेंटिस्ट कहते हैं कि आपके दांतों में क्राउन लगाना पड़ेगा, क्राउन की जरूरत होती है। कुछ केसेस में अगर दांत में फ्रैक्चर हो गया तो उस टाइम पे भी हम डायरेक्टली कैप लगा देते हैं, या फिर कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं कि उनको लगता है कि उनके दांतों के बीच में गैप है, जैसे कि जिसको कि हम मिड लाइन डायस्टीमा बोलते हैं, दो दांतों के बीच में गैप होना फ्रंट टूथ में स्पेशली, उसको मिड लाइन डायस्टीमा कहा जाता है। और अगर ऐसा गैप है तो उसमें भी हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि डेंटल कैप लगाए। तो अब जानते हैं कि बेस्ट क्राउन और बेस्ट कैप कौन सी अच्छी रहेगी, कौन सी क्वालिटी की अच्छी रहेगी एंड कौन सी आपके लिए बजट फ्रेंडली होगी, कौन सी ऐसी क्राउन है जो आपके लिए बहुत सुटेबल रहेगा। तो आप ये चीज़ घर बैठ के खुद जज कर सकते हैं कि आपके दांतों के लिए कौन सा सुटेबल कैप रहेगा। तो मैं सारे कैप के बारे में डिटेल में बताऊंगी आपको एंड फिर आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी। सबसे पहले हम जानते हैं जो अगर आपके दांत में फ्रंट टूथ में आपको देखना है, जैसे कि आप देख रहे हो फोटो में कि यहाँ पे दो दांतों के बीच में गैप है, इसको हम मिड लाइन डायस्टीमा बोलते हैं। अगर इस तरीके से गैप और आपको क्राउन लगाने को डेंटिस्ट कहते हैं, कैप लगाने को डेंटिस्ट कहते हैं कि आपको दो दांतों के बीच का जो गैप है ये क्लोज करना है, तो कैप के थ्रू क्लोज करना है, तो उसके लिए जो बेस्ट कैप रहती है उसको हम कहते हैं जिरकोनिया कैप। ये दोनों फुल सिरेमिक कैप होते हैं। फुल सिरेमिक का मेरा मतलब है कि इसके अंदर कोई मेटल नहीं होता, ये जिरकोनियम डाइऑक्साइड के बने होते हैं एंड ये जस्ट लुक लाइक योर नेचुरल टूथ। ये स्ट्रेंथ की बात की जाए तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। ये आपके दांत के मैचिंग का लगाया जाता है। पहले आपके दांत का शेड चेक किया जाता है, बाजू वाले दांत से देखा जाता है कि किस तरीके से शेड है, उसके बाद आपका ये कैप लगाया जाता है। ये फ्रंट टूथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी जो कॉस्ट आपको पड़ेगी वो पड़ेगी ऑलमोस्ट 8,000 से स्टार्ट होती है, 10 to 15,000 जाता है पर टूथ, मैं बात कर रही हूँ, इस तरीके से जाता है। अगर आप इसको बैक साइड में लगाना चाहते हो तो बैक साइड में बहुत अच्छा कैप अच्छा रिस्पॉन्ड देता है, बैक साइड में भी अच्छे से जाता है। इसका सबसे अच्छा क्वालिटी ये होता है कि इसके अंदर कोई मेटल नहीं होता है, जस्ट सिरेमिक होता है, तो कोई भी नहीं बता सकता कि आपका नकली दांत है या नकली कैप है कि आपका नेचुरल दांत है, क्योंकि बिल्कुल आपके नेचुरल दांत को रिप्लिका करता है, यानी कि बिल्कुल उसके जैसे होता है, तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं कि दूसरी टाइप की कैप होती है जिसको हम कहते हैं पीएफएम कैप। पीएफएम कैप जैसे कि आप ये फोटो में देख रहे हो कि अंदर इसके मेटल होता है और उससे टूथ कलर की लेयर होती है। तो आजकल जैसे कि आपको पता ही है कि हर कोई एस्थेटिक वाइज मेन कंसर्न रखता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उसको एस्थेटिक में थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो इस कैप को मैं फ्रंट टूथ में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। ये बैक साइड के दांत के लिए फिर भी ठीक है। अगर आपको अपर टूथ के लिए जाना है तो बैक साइड अपर टूथ के लिए ठीक है। इसको भी वही रिकमेंडेशन दिया जाता है कि अगर रूट कैनाल किया हो उसमें मोस्टली ये कैप यूज किया जाता है। तो इसका सबसे पहले ये होता है कि इसमें एक डिसएडवांटेज होता है, कभी कभी ये मेटल की जो लेयर आपको इनसाइड की जो दिख रही है विजिबल हो जाती है आउटसाइड से, तो वो पेशेंट को बिल्कुल अच्छा लुक नहीं देते, इसीलिए इसको हम टूथ में एडवाइस नहीं करती हूँ मैं। लेकिन बैक साइड में आप अगर आप इतना एस्थेटिक कंसर्न नहीं और इतना विजिबल भी नहीं होता है तो यू कैन गो फॉर द बैक साइड। इसकी स्ट्रेंथ अगर देखी जाए तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, बहुत स्ट्रांग क्राउन होते हैं एंड ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग क्राउन होते हैं, काफ़ी समय तक चलते हैं। इसकी जो प्राइस की बात की जाए वैसे तो हर क्लिनिक में डिफरेंट होता है, बट अप्रोक्सीमेटली 2,500-3,000 से स्टार्ट होता है किसी क्लिनिक में। हो सकता है 2,500 में मिल जाए एक दांत का, किसी क्लिनिक में आपको 4 या 5,000 तक भी जा सकता है। तो इस तरीके के कैप होती है ये।
ये स्ट्रेंथ बहुत अच्छी देती है। मोस्टली काफी सारे पेशेंट इसी को जाते हैं क्योंकि कॉस्ट फ्रेंडली होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन का। नेक्स्ट होता है मेटल कैप। तो मेटल कैप जो होती है ये आजकल बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसे मेटल इंडिकेटेड किया जाता है। जैसे कि अगर दांतों के बीच में, दो दांतों के बीच में अपर एंड लोअर दांत जब बाइट करते हैं उनके बीच में गैप बहुत कम है तो भी हम मेटल कैप रिकमेंड करते हैं। या फिर कुछ पेशेंट्स का बजट इतना ज्यादा नहीं होता है तो उसमें भी हम मेटल कैप देते हैं। बट मेटल कैप का जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसका एस्थेटिक वाइज बहुत अच्छा नहीं दिखता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है एस्थेटिक वाइज, इसलिए हम ना ही हम फ्रंट टूथ में और आजकल तो बैक साइड में भी इसको रिकमेंड नहीं करते। कुछ पेशेंट बहुत ज्यादा कहते हैं कि मैम हमको यही चाहिए क्योंकि उनका इतना बजट नहीं होता है, तो उनपे हम ये क्राउन दे सकते हैं। इसका जो प्राइस होता है, इसका प्राइस हर क्लिनिक अलग है, किसी किसी क्लिनिक में हो सकता है 1500 में हो जाए, 2000, 2500 तक इसका प्राइस जाता है पर टूथ। तो मैंने ये तीनों क्राउन्स आपको बता दिए हैं एंड आप अब खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट क्राउन है और कौन सा आपका बजट फ्रेंडली क्राउन है। सो इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।